हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है समायरा नरूला एंड फैमिली। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। आज हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग के 7:10 पर और यहाँ पे धूप है, देखो मेरे चेहरे पे धूप आप देख सकते हैं ना। और ये है समायरा, देखो शाम को 7 बजे नहाई है, हैंड वॉश किया है। समायरा के पापा भी रेडी होकर यहाँ पे बैठे हैं, हम सब ने अभी बात किया है क्योंकि आज पूरा दिन बहुत काम थे, हमें बहुत काम थे। और ये धूप जो आप देख रहे हैं वो रियल वाली धूप नहीं है क्योंकि 7 बजे कोई भी धूप नहीं आती है कहीं भी। तो ये है नए फोन का नया फीचर जो समायरा ने मुझे गिफ्ट दिया था बर्थडे पे। तो मैंने ऐसे एक्सप्लोर किया तो वहां पे मुझे एक फीचर दिखा तो मैंने उस पर प्रेस किया तो धूप आ गई। तो ये अच्छा ना, सर्दी में धूप कैसे लेकर आई। आज पूरा दिन की हम बिजी थे, आपको बताएंगे, आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करेंगे, आप व्लॉग को एंड तक जरूर देखना, मिस मत करना। तो अभी हमने जैसे बात किया है तो अभी हमें भूख लग रही है, समायरा को खाना है डोसा और हमें पीनी है चाय। तो चलिए किचन में चलते हैं, डोसा रेडी करते हैं और चाय बनाते हैं। तो ये रेडी हो चुका है समायरा के लिए गर्मा गर्म क्रंची डोसा। इसमें मसाला नहीं है, देखो सिंपल पोटैटो है, ना नमक डाला मैंने ना मिर्ची डाली। तो ये है बन्ने डोसा। Okay. और मैंने बटर बहुत सारा ऐड किया इसमें। खा के बताओ, YouTube फैमिली को खिलाओ, अब तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। करेक्ट। YouTube फैमिली को खिलाना था। पहले खुद ही टेस्ट कर लिया, देख रही थी ना कि कैसा बना है। अच्छा, उसके बाद YouTube फैमिली को खिलाओगे, पहले खुद टेस्ट करोगे कैसा है फिर। अच्छा, अच्छा है ना। YouTube टेस्टी है ना। वो टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर ड्राई कर लिए, अभी थोड़े थोड़े वेट हैं और हमने डोसा भी खा लिया है। तो मम्मा, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट करना है हमें कि समायरा का जो बेड है वो कपड़ों से भरा पड़ा है, मैं आपको पहले दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इतने सारे कपड़े, ऐसा लग रहा है कि ना शॉप है कपड़ों की। कस्टमर आते गए, देखते गए और थ्रो करते गए और पूरा ढेर लग गया कपड़ों का। और अभी आपको और दिखाते हैं कि कहाँ पे इतने सारे कपड़े पड़े हैं। ये देखिए, डाइनिंग टेबल पर कपड़े रखे हुए हैं और इन सारे कपड़ों को हमें करना है पैक। और पैक कहाँ पे करना है? सूटकेस में। चलो मम्मा बताओ, हमें सूटकेस में कपड़े क्यों पैक करने हैं? क्योंकि समायरा जा रही है पंजाब। ये पंजाब क्यों जा रहे हो आप, यूटी फैमिली को बता दो। क्योंकि मेरी मासी की शादी है। समायरा फिर से जा रही है पंजाब में एक और वेडिंग देखने। पहले बुआ की वेडिंग देखी थी, अब मासी की वेडिंग देखेगी तो बहुत मजा आएगा। हम सारे फंक्शंस के व्लॉग आपके लिए शूट करेंगे। तो कल हमारी फ्लाइट है मॉर्निंग 8 o'clock बैंगलोर टू अमृतसर की। और देखो रात के 8 बज चुके हैं एक दिन पहले के, 12 घंटे रह गए हैं सिर्फ फ्लाइट आने में, मतलब फ्लाइट पकड़ने में। और सुबह 3:30 बजे हमें घर से निकलना है। कपड़े पूरे बिखरे हुए हैं, सूटकेस हमारा अभी तक एक भी कबर्ड से स्टोरेज से बाहर नहीं आया है। और हमने पैकिंग सारी कंप्लीट करनी है, शादी है तो सारी ड्रेसेस भी देखनी पड़ेंगी, फुटवेयर देखने पड़ेंगे, बहुत सारा काम है। आज पूरा दिन हम घर के बाकी के काम खत्म करते रहे और मार्केट से समायरा के लिए एक आधी ड्रेस हम लेकर आए क्योंकि एट ए टाइम पे हमारा प्रोग्राम बना। समायरा को स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही थी, समायरा के पापा को छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो हमने कल ही टिकट बुक की है और इसीलिए हमें टाइम नहीं मिला पैकिंग पहले करने का। तो अभी चलिए करते हैं पैकिंग स्टार्ट और देखते हैं कि कितने सूटकेस बनते हैं। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम लेट नए थे। इसीलिए लेट क्योंकि हमें काम ही बहुत थे। कभी ये ड्रेस लेनी है, ये ज्वेलरी लेनी है मम्मा को। क्या ये ज्वेलरी लेनी? कौन सी ज्वेलरी लेकर दी आपने मुझे? एक भी ज्वेलरी? फ्रेंड्स आप देखना, फंक्शन में मैं जो भी ज्वेलरी पहनूंगी ना, सारी आपने पहले देखी हुई होगी। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ज्वेलरी ऐसी हो कि वो बहुत पहले की हो, आपने कभी व्लॉग में मैंने यूज नहीं की और आपने व्लॉग में उसको नहीं देखा तो वो आपको लगेगी नहीं। लेकिन मैंने एक, वो बोलते हैं ना, इयररिंग भी नया नहीं लिया, अभी तो इन्होंने मुझे दिए थे बर्थडे पे कुछ दिन पहले, तो अभी मैं क्यों लूंगी ज्वेलरी? हमने तभी तो दे दिया था। यस। टिकट बुक नहीं थी, जाना कन्फर्म नहीं था, ज्वेलरी एडवांस में ले आए थे। देखो कितने सयाने हैं ये सयाने। तो चलो उठो, बातें बाद में करेंगे, पैकिंग करो।
टाइम से सोना भी है, 3 बजे निकलना है, कैब आ जाएगी। फिर पापा कितने जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सुबह सुबह पापा दिमाग खराब कर देते हैं जल्दी निकलो लेट हो जाएंगे, एयरपोर्ट पे पहुंच नहीं पाएंगे, फ्लाइट मिस हो जाएगी, टिकट के पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो चलो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक सूटकेस जो है वो पैक कर दिया है अच्छे से, ये देखिए, और एक हमारा इधर पैक हो चुका है। इसमें हम अपने जूते वगैरह डालेंगे। ये सुमायरा के पापा देखिए इस लिफाफे के अंदर जूते डाल रहे हैं, और इसको हम रखेंगे सुमायरा के सूटकेस में। और फ्रेंड्स जैसे कि हम जा रहे हैं पंजाब में, इसको भी साथ में लेकर जा रही हूं। ये तो जाएगी जाएगी, अकेली क्या करेगी। तो रात के हो चुकी है 10:45 और आंखों में नींद बहुत ज्यादा आ गई है, और अभी थोड़ी सी पैकिंग हमारी पेंडिंग है। सुमायरा बोल रही है मुझे नींद आ रही है, अभी हम बैठ रहे हैं डिनर करने के लिए, तो बाकी की पैकिंग जो है वो डिनर करने के बाद करेंगे, और फिर सोना तो पता नहीं होगा या नहीं, क्योंकि 3 बजे 3:30 बजे कैब वाला आ जाएगा। 3:30 का ना टाइमिंग। तो सुमायरा के पापा तो लास्ट टाइम भी नहीं सोए थे जब हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे, लेकिन मैं तो सोऊंगी थोड़ी देर के लिए। तो चलो जल्दी से डिनर करते हैं। लगते हैं आज ही पापा चौकीदार बनेंगे। नाइट शिफ्ट में ऑफिस का काम करेंगी। सही बात है। सुमायरा डिनर करने के लिए बैठ गई है, और देखो क्या खा रही है, दाल चावल, दाल मखनी और व्हाइट राइस, स्टीम राइस। इसको तो जितने मर्जी दे दो, साउथ इंडियन खाना तो बहुत अच्छा लगता है इसको। बहुत अच्छा लगता है। दाल मखनी तो पंजाब की है, राइस साउथ के हैं, स्टीम राइस। कैसी बनी है दाल? मस्त बनी है। आज रोटी बनाने का टाइम नहीं था, इसीलिए हमने सोचा कि एक तरफ दाल रख देते हैं बनने के लिए, एक तरफ राइस, और आराम से खा के सो जाएंगे। हमने डिनर कर लिया है और पैकिंग भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, वो तो एंड टाइम तक होती रहेगी। कोई चार्जर डालना है, कोई ब्रश डालना है, तो सुमायरा यहाँ पे रेडी है सोने के लिए। आई मास्क पहन लिया है, निकाल के दिया था मैंने आज इसको कि फ्लाइट में इसको यूज़ करना, आपको नींद अच्छे से आएगी, लेकिन ये बोल रही है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है कि इसको लगा के कैसी नींद आती है। तो फिर अभी हम जा रहे हैं सोने, बज चुके हैं रात के 12, और सुबह हमें 3:30 निकलना है। उसके लिए उठना उससे भी जल्दी पड़ेगा, 2:30 उठेंगे क्योंकि रेडी होना पड़ेगा, और फिर कैब वाला आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम सब उठ के रेडी हो चुके हैं, और 3:30 को कैब वाले ने आना था, हम 3:00 उठ के रेडी हो चुके थे, लेकिन कैब वाले को इतने फ़ोन किए, ये नहीं पता कि उसको इतनी नींद आ रही थी, उसको जाग ही नहीं आई कि हमें एयरपोर्ट पर ड्रॉप करना है, और वो आया नहीं। फिर हमने कस्टमर केयर पर कॉल किया, उन्होंने नई कैब अरेंज करवाई, तो कैब नीचे आ चुकी है, और 4:00 हो चुके हैं, हम घर से निकल रहे हैं। सुमायरा के पापा लगेज लेकर नीचे जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं हम भी। गुड मॉर्निंग इंडियन फैमिली। तो सुमायरा अपना लगेज खुद लेकर जाती हुई, रुको ना लिफ्ट पे चलते हैं। हम स्टेयर्स से जाएंगे, सूटकेस को लिफ्ट पर आने दो। हम घर से निकल चुके हैं, और एयरपोर्ट बहुत दूर है, सुमायरा को यहाँ पे आ रही है नींद, और ये देखो जैकेट पहन के, कैप पहन के रेडी है सोने के लिए। तो हम भी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे क्योंकि रात को बहुत लेट से सोए थे, तो नींद पूरी नहीं हुई है, तो एयरपोर्ट पहुंच के फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, और हमने ट्रॉली में अपना लगेज रख दिया है, और सुमायरा के पापा ट्रॉली लेकर जा रहे हैं। सुमायरा ट्रॉली पे बैठ गई है, आगे जितना भी स्पेस बचा तो अपनी सीट उसने ले ली है अंदर जाने के लिए। तो चलो हम अंदर चलते हैं। ये देखो सुमायरा के पापा जाते हुए, रुको सुमायरा तो दिखाओ, मेरी आवाज देखो एकदम से कैसी हो गई है। हेलो सुमायरा। तो हमने बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिए हैं, ये किसका है? ये सुमायरा का। हाँ ये सुमायरा के पापा का, और ये कहाँ पे है मेरा नाम? पकड़ो ना इसको। ये मेरा बोर्डिंग पास है। फ्रेंड्स हमने चेकिंग कर लिया है, और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने क्योंकि बहुत भूख लग रही है। सुबह उठकर भी कुछ नहीं खाया पिया था, इतना जल्दी तो हम निकल गए, और घर पे दूध भी नहीं था, कुछ खाने के लिए भी नहीं था क्योंकि हमने लिया ही नहीं था। हमें पता था कि सुबह सुबह निकलना है, अगर नहीं खाया पिया गया तो वेस्ट हो जाएगा पीछे से। तो चलो चलते हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। ये क्या है सुमायरा? ये बटर मिल्क। ये कोकोनट की चटनी है इडली के साथ खाने के लिए। और ये क्या है बताओ? क्या है आपने कभी खाया नहीं?
हलवा। यस हलवा, यहाँ पे केसरी बात बोलते हैं ना। और ये क्या है? ये पता नहीं। ये हम खाते हैं ना खिचड़ी। yes. और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? पोंगल। और ये क्या है? ये भी एक हलवा लग रहा है। ये हलवा नहीं, हाँ ये नमकीन हलवा है। उपमा। और ये बनाना यहाँ पे है। इडली बनाना, इलायची बनाना। हाँ तो है तो बनाना ही ना। नाम आपने सबका नाम बताया, तो इसका भी नाम प्रॉपर बताना। हाँ इसके अंदर इलायची है गाइस। और इडली, वड़ा, और ये डोसा। हैप्पी बर्थडे पापा। डोसे का मसाला देखो, कैब के नीचे था। नो मायरा को फ्लाइट की जर्नी से पहले बस की जर्नी करनी पड़ रही है, और बेचारी को सीट नहीं मिली है। देखो छोटी सी जान खड़ी है। कोई बात नहीं, फ्लाइट में तो 3 घंटे मिलेगी सीट। हाँ उसके पैसे पता कितने लगे हैं, मिलेगी ना सीट तो। अपनी सीट ले ली है। स्पायरा अपनी फ्रेंड को लेकर विंडो सीट पर बैठ चुकी है और अभी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, तो हम आपके लिए बाहर का व्यू शूट करेंगे। क्या कर रहे हो? ओ चॉकलेट खा रही है दोनों, देखो तो। मम्मा पापा को नहीं देना चॉकलेट, फ्रेंड को खिलाना है। नहीं मुझे नहीं खाना अब, नहीं नहीं खाना। हाँ यूटी फैमिली को खिला दे। पापा आपको तो चॉकलेट बहुत पसंद है ना, चॉकलेट चलेगी तो आपको पसंद नहीं आएगी, चलो खा लो। पापा खा गए हैं चॉकलेट, वो देखो। पूछा भी नहीं एक बार भी स्मायरा की मम्मी से। फ्लाइट टेक ऑफ होने ही वाली है, यहाँ पे स्मायरा ने बेल्ट लगा ली है। स्मायरा इधर देखो, और देखो साथ में अपनी फ्रेंड को भी लगा दिया, एक ही बेल्ट शेयर कर ली है इन दोनों ने। बहुत फिक्र करती है इसकी ये, बहुत केयर वाली फ्रेंड है। केयरिंग फ्रेंड है ना तू। तो फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद मैरा सो गई थी, मैरा की मम्मी अभी भी सो रही है। यहाँ पर मैरा अभी जस्ट उठी है और उसको लग गई है भूख। मैरा बिस्किट लेकर आई थी। फ्रेंड जब मम्मा सो रही थी और हम छूट नहीं ले पाए, तो हमने कुछ ऑर्डर किया था, मैंगो जूस पिया। क्यों नहीं फिर ऑर्डर किया था? तो हमने सोचा आपको भी पिलाएंगे, साथ में खाएंगे कैश्यूज। खा लेते आप, हमारे पास बहुत था, हमने वो खा लिया। सारा खा दी बस, ब्यूटी फैमिली को भी खिलाया था, मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ा। फिर आगे चॉकलेट वाला खाते नहीं ना पापा, मेरे को तो चॉकलेट वाले बिस्किट भी पसंद है, चॉकलेट भी पसंद है। ये भी खा लो फिर, ये भी आप दोनों को पसंद है, मुझे तो पसंद नहीं है। आपको नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। तो फ्रेंड्स हमारी फ्लाइट लैंड करने ही वाली है, देखिए। और स्मायरा यहाँ पे बेताब है पंजाब में एंटर करने के लिए। और मैं विंडो सीट से मम्मा सीट पर आ चुकी हूँ। यस, और मैं देख नहीं पा रही हूँ बाहर का व्यू। तो आप ही ने बोला था मुझे पापा के पास बैठना, आप मेरी सीट पे आ जाओ। क्योंकि हम बोर हो रहे थे दोनों, क्योंकि हम आसपास नहीं थे, मम्मा इधर थी मैं इधर थी, तो हम अपना बातें करेंगे तो आपको डिस्टर्ब होगा, इसीलिए मैं आ गई। ब्यूटी फैमिली को बता तो दो, पंजाब में कहाँ जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं जलंधर, पहले हम जाएंगे अमृतसर, ये फ्लाइट है अमृतसर की, उसके बाद मेरे नानू लेडी आएंगे। पापा देखो स्ट्रगल कर रहे हैं, कैशियो का पैकेट ही नहीं खुल रहा है। इधर दो, दोनों ब्रश करने में 15-15 मिनट लगाते हैं, टीथ फिर भी स्ट्रॉन्ग है, देख तेरा टीथ टूट जाएगा। ए लड़की फोन पकड़।
नागर विमान मंत्रालय ने दिल्ली बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा रखी है। अब इसे प्रयोग करके इन हवाई अड्डों पर आवाज और परेशानी रहित पा सकते हैं। इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आप डिजी हमारी फ्लाइट फाइनली लैंड कर चुकी है अमृतसर के एयरपोर्ट पर और अब अच्छे से रुकेगी तभी हम बाहर निकलेंगे। अभी तो चल रहा है तो हम अमृतसर के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अंदर जा रहे हैं अपना लगेज कलेक्ट करने। और यहाँ पे ठंड है, समायरा देखो कैसे बन गई है, हुडी डाल ली है इसने, लेकिन पापा ने विंटर की ड्रेस पहनी है, बाकी सारी नॉर्मल शॉर्ट्स है। बोलते फरवरी आ गया अब तो मौसम ठीक होगा, अपनी कोई भी जैकेट कैरी नहीं की है। तो हमने लगेज कलेक्ट कर लिया है और हमें ड्राइवर लेने आने वाले थे लेकिन समायरा के नानू हमें लेने आ गए हैं। समायरा के छोटे नानू मतलब कि मेरे चाचा जी जो बाहर हमारे वेट कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं बाहर और आपको मिलवाते हैं उनसे। रास्ते में रुके हैं और गन्ने का जूस पी रहे हैं। स्मायरा यहाँ पे सो गई है। कुछ पकोड़े, ये कुछ पकोड़े, कौन से पकोड़े हैं? आलू के लड्डू बोल रहे हैं इसको। लड्डू? हाँ, फ्राइड लड्डू। मीठे लड्डू को फ्राई कर दिया? नहीं, ये कुछ हो रहा है, टेस्ट करके देखो। आप खा कर देखो पहले, मैं तो पहली बार ऐसी चीज देख रही हूँ। अच्छे मसाला ही चट किया आपने अभी तो। हम घर पे पहुंच चुके हैं और आपको मिलवाते हैं सबसे पहले जिसकी शादी है उससे। जिसकी शादी है वो तो अंदर चली गई, उसका भाई आ गया है जिसका नाम है राहुल। तो आज था सुखमनी साहिब का पाठ घर पे और दरबार साहिब को लेकर जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब में। इस्मायरा की मासी, ये इस्मायरा के मौसा जी हैं। यहाँ पे इस्मायरा के पापा पी रहे हैं चाय, साथ में गाजर का हलवा, बिस्किट, भुजिया, नमकीन। इस्मायरा पार्क में चली गई है खेलने के लिए। तो ये है शादी वाला घर, देखिए पूरा चमक रहा है लाइट्स से। और इस्मायरा देखो बिना गानों के नाच रही है। ये समायरा की नानी है जो उलझी पड़ी है बेटी की शादी में। यहाँ पे गीत गाने का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। ये है समायरा की गुणमासी जिसकी शादी है, देखो कैसे शर्मा रही है। घर में पूरी रौनक लगी हुई है, गीत चल रहे हैं और ये फिर से आगे देखो चेहरे की खुशी, देखो कितना हंस रही है। थोड़ी देर बाद यही रोएगी। और दादी के पास जाकर बैठ गई है, साथ में है हमारी मिष्टी, वो भी बहुत प्यार करती है गुणमासी से। जब गुणमासी घर छोड़कर जाएगी तो मिष्टी को भी बहुत बुरा लगेगा। तो ये दादी के साथ बातें करती हुई गुणमासी रो पड़ी। बोला था ना जितनी खुशी चेहरे से झलकती है उतना दर्द अंदर से होता है, तो लड़कियों के लिए घर छोड़कर जाना आसान बात नहीं है। ये तो चलना ही चलना।